हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। ये वीडियो INS विक्रांत एयरक्राफ्ट कैरियर ऑप्शन से संबंधित है। अभी अभी हाल ही में 1 सितंबर 2022 को भारत सरकार ने INS विक्रांत को नेवी को सौंपा है, तो हम लोग आज इस एयरक्राफ्ट कैरियर के विषय में पढ़ेंगे, जो एक नेवी शिपयार्ड है। इसका निर्माण कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड केरल ने किया है, तो आज इसके विषय में हम लोग जानकारी करेंगे। दोस्तों, ये जो INS विक्रांत है, इसकी जो पूरा वजन है वो लगभग 4,500 टन के करीब है, और जो इसकी लंबाई है वो 262 मीटर तथा चौड़ाई 60 मीटर है। इसकी पूरी क्षमता है 30 लड़ाकू विमान ले जाने की। इसके पहले हमारे देश में एक और एयरक्राफ्ट कैरियर का निर्माण हुआ था, जो INS विक्रमादित्य था। उसकी भी एयर कैरियर क्षमता जो थी, एयरक्राफ्ट कैरियर की जो क्षमता थी वो थी 30 लड़ाकू विमान की। जो विमान है और ये जो एयर विस्फोट है, ये विमान वहाँ विस्फोट है। इस पर बहुत सारे विमान जो एयरक्राफ्ट लड़ाकू विमान हैं उनको, साथ ही साथ कुछ हेलीकॉप्टर और बम वॉचर, इन सबको ले जाया जाएगा। इससे ज़्यादा कैरियर वाले जो ले जाने वाले जो पोत हैं, वो सबसे ज़्यादा करियर ले जाने वाला पोत, सबसे ज़्यादा कैपेबिलिटी वाला पोत है US नेवी का निमित्तजा, जो 60 एयरक्राफ्ट करियर को ले जा सकता है। उसके बाद दूसरा है यूनाइटेड किंगडम का रॉयल एलिजाबेथ, जो 40 एयरक्राफ्ट करियर को ले जा सकता है। इसको बनाने में लगभग 200 बिलियन रुपये का खर्च आया, और इस पर जो इसकी क्षमता है ये लगभग 1700 कैरियर क्रू केबिन वाला क्षमता है, 1700 लोग जा सकते हैं। ये 4 इंजनों के कंबाइन से मिलकर के बना है, इसमें 4 इंजन लगे हुए हैं। इन चारों इंजनों की कुल क्षमता लगभग 88 मेगावाट है, और ये जो है 4 इंजनों वाला विस्फोट है, जिसमें 80 मेगावाट की पूरी क्षमता है इसकी। इसमें लग्जरियस अपार्टमेंट में रहने खाने के लिए जगह है। इसमें एक अपार्टमेंट है जिसमें 600 लोग एक साथ भोजन कर सकते हैं, नाश्ता कर सकते हैं, और साथ ही साथ 60 बेड वाला एक अस्पताल भी है। और इसके जो आगे नोजल में 2 एयरक्राफ्ट लगाए जा सकते हैं, वो रशियन जो 2 एयरक्राफ्ट हैं MiG-29K और Kamov-31, ये रशियन एयरक्राफ्ट हैं जिनको इनको आगे लगाया जा सकता है। ये जैसे लगा हुआ है, इस एयरक्राफ्ट को इस विमान वाहक पोत में आगे डेक पर लगाया जा सकता है, और जिसे लगा कर ले जाया जा सकता है। इसका जो पूरा डेक का एरिया है, जहाँ पर के विमान और विमान रखे जाएंगे, वहाँ पर लगभग 12 फाइटर प्लेन और 6 हेलीकॉप्टर आ सकते हैं। इसका डेक का पूरा एरिया 12,500 स्क्वायर मीटर है, जो लगभग 2.5 हाकी जो ग्राउंड होता है उसका लगभग 2.5 गुना है। इतना बड़ा इसका एरिया है जहाँ पर कि विमानों को उतारा जा सकता है, रखा जा सकता है। इसका उपयोग कहाँ कहाँ हो सकता है, ये हमारे सामरिक युद्ध में इसका उपयोग किया जा सकता है, जो यात्रा सुरक्षा है उसमें किया जा सकता है, और शत्रुओं पर हमला की स्थिति में किया जा सकता है। ये इसका आंतरिक डिजाइन है, जहाँ से इसको ऑपरेट किया जा सकता है।
अगर और देशों से तुलना की जाए तो जो चाइना है उसके पास सबसे ज़्यादा दो युद्धपोत जो है मिल चुके हैं और तीसरे युद्धपोत का निर्माण हो रहा है। और US जो है वो क्षमता में सबसे ज़्यादा ले जाने वाले युद्धपोत का निर्माण कर चुका है। तो जो ये एयरक्राफ्ट है ये भारत के सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इसको बनाने में पूरे लगभग 13 वर्ष लगे, क्योंकि अभी अभी ये नया स्वदेशी युद्धपोत है जो कि देश में बनाया गया है, तो इसलिए इसमें कुछ ज़्यादा समय लगे। चीन ने 2012 से 22 तक दो युद्धपोतों का निर्माण किया है और तीसरे युद्धपोत का निर्माण कर रहा है। तो सामरिक दृष्टि से हम चीन से अभी थोड़ा पीछे हैं। तो ये थी विक्रमा सॉरी ये थी विक्रांत आईएनएस विक्रांत की छोटी सी जानकारी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो का आनंद उठाइए, और आगे इन वीडियो को शेयर करिए ताकि अधिक से अधिक और जानकारी इस सभी लोगों को मिल सके। तो इसी के साथ थैंक यू, बाय बाय। आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लालचंद पटेल क्लासेस में की तरफ से आपको धन्यवाद।